हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोशल साइंस टीचर। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 17। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिपेंडेंट इंडिया। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इंडिपेंडेंट इंडिया अर्थात स्वतंत्र भारत। लेट अस स्टार्ट। द ईयर 1915 वाज ए क्रूशल ईयर इन द इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। वर्ष 1915 आज़ादी के लिए भारत के संघर्ष में एक निर्णायक वर्ष था। इन दिस ईयर गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसी वर्ष गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर गुजरात। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड। उन्होंने कानून की पढ़ाई इंग्लैंड में किया था। आफ्टर गेटिंग हिज डिग्री ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ। अपनी डिग्री, अपनी उपाधि पाने के बाद वे कानून का व्यवसाय करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। देयर ही सा मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडियंस। वहाँ पे उन्होंने भारतीयों की दयनीय दशा को देखा। दे वर इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलिएटेड बाई वाइट्स। वे श्वेतों द्वारा अर्थात अंग्रेज़ों के द्वारा अर्थात वहाँ पे के लोगों के साथ में श्वेत लोग, अंग्रेज़ लोग बुरे व्यवहार करते थे और उनको अपमानित करते थे। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह विच मीन्स इंसिस्टेंस ऑन द ट्रूथ। गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह शुरू किया जिसका अर्थ होता है सत्य पर आग्रह अर्थात सत्य पे दृढ़ रहना। इट वॉज ए मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। यह अहिंसक प्रतिरोध का तरीका था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गांधी एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी और स्वतंत्रता संघर्ष। गांधी जी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन द कैंपेन इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी को साउथ अफ्रीका के अभियान में बड़ी सफलता मिली थी। हिज एक्सपीरियंसेज इन साउथ अफ्रीका हेल्प्ड हिम अलॉट व्हेन ही केम बैक टू इंडिया। उनके साउथ अफ्रीका के अनुभवों ने जब वे भारत वापस लौट कर आए तो यहाँ पे बहुत सहायता मिली अर्थात साउथ अफ्रीका के उनके अनुभवों से भारत की लड़ाई, भारत में आने पर जो उन्होंने लड़ाई शुरू किया